Assalamualaikum, welcome to Knowledge Zone. Yesterday I have explained you the introduction part of real numbers. Now we are moving to the first exercise. That is exercise 1.1. First question: use Euclid's algorithm to find HCF. Very important question for your SSC examination. Okay. This first exercise, remember this. First exercise is very important for your SSC examination. Now, what we have to find out here, we have to use Euclid's algorithm to find HCF. What is the full form of HCF? Highest common factor. Everyone knows Euclid's algorithm. Yesterday I told you the formula. What is the formula? A equals to BQ plus R. Now, see here, Euclid is having a method of division, okay? In a different way, like I will explain you now. See here, he in the question he has given the two numbers 900 and 270. आप लोग यहाँ पे किससे इसको divide करना है ये चीज पहले जरूरी है, okay? तो याद रखिए आप जो भी number आपको smaller रहेगा comparison करें बाद वो number से आप divide करेंगे first step. तो यहाँ पे 270 900 से स्मॉलर है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 270 से आप 900 को डिवाइड करेंगे. ओके, नाउ ये डिवीजन में आप कैसा प्रोसेस करेंगे वन बाय वन स्टेप एट अ टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट स्टेप क्या देखना है, 270 के टेबल में आप टोटल 900 देखना, ठीक है? दूसरे डिवीजन के वैसा नहीं है, यूक्लिड्स डिवीजन आपको कंप्लीटली डिफरेंट है. तो आपको क्या करना है, आपको 270 के टेबल में आप 900 देखना. 270 इनटू 1 करें तो सेम आएगा आपको 270 इनटू 2 के लिए 200 27 14, 224 5, 3 करिए आप 300 37 21, 326 810. नाउ सी हियर, 810 इज वेरी क्लोज टू 900. अगर अपन 270 से 4 के टेबल से करेंगे आप वो भी देख लीजिए 400 47 28 42 10 1080 आपको आंसर आ रहा, जो कि आप नहीं ले सकते क्योंकि डिवीजन का रूल है, या आप सेम नंबर ले सकते हैं या उससे कम नंबर ले सकते. तो यहाँ पे कम नंबर क्या रहा आपको 270 के टेबल में 810, कितने टाइम्स आ रहा, 3 टाइम्स 810. ओके, नाउ माइनस के नाउ 900 माइनस 810 करेंगे आप तो कितना आएगा आपको आंसर 99. सी हियर, ये एक स्टेप आपका यूक्लिड्स डिवीजन का कंप्लीट हो गया. ओके, नाउ आफ्टर दिस आपको यूक्लिड्स का फॉर्मूला यूज करना है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ना जो भी मिडिल में आपको नंबर है वो ए है, मतलब डिविडेंड है. आप कल में जैसा बताया डिविडेंड बोलेंगे आप इसको. ये आपका क्या है, बी है, मतलब डिविजर है आपका. ये आपका क्वोटेंट है और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है. ओके, ना जैसा एक पार्ट आपको कंप्लीट हो गया अब फॉर्मूले में इसको लिख देना, A value 900, B value 270 into Q value 3 plus R value 90. Now, आपका division फिर इसके बाद आप start करिए. अब जो भी आपका remainder आ रहा उससे आप divide करना. Remainder आपका 90 आ रहा, अब कौन से number से divide करेंगे आप, जो आपका पहले divisor था. Okay, 270 ले लीजिए आप. 270 ले लीजिए. नाउ 90 के टेबल में 270 इजीली जाता, ठीक है? 90 इनटू 3, 300 39 27. सी है 90 इनटू 3 करें आप 270 आ जाएगा. नाउ 270 माइनस 270 हाउ मच, 0 हो जाएगा. नाउ सी है आपका एक डिवीजन यहां पे कंप्लीट हुआ था, ठीक है? फिर आपका दूसरा डिवीजन फिर यहाँ पे कंप्लीट हो गया.
तो फिर आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो आपका a क्या होगा, ये a रहेगा आपका, ये b रहेगा आपका, ये q रहेगा आपका और ये r रहेगा। ओके, नाउ a इज 270, b इज 90 इनटू q इज 3 प्लस रिमाइंडर इज 0। नाउ क्या फाइंड आउट करना था आपने कि यूक्लिड्स फॉर्मूले से HCF, तो HCF कैसा फाइंड आउट होगा आपको, लास्ट स्टेप में देखिए आप, आपका डिवीजन का आंसर 0 आ रहा, कौन से नंबर से आ रहा आपका डिवीजन का आंसर, 90 से आ, 90 के टेबल में 270 आपको जा रहा और इस वजह से आपका रिमाइंडर 0 आ। दैट मींस जो भी नंबर से लास्ट में डिवीजन आपका 0 जाएगा वो नंबर आपका HCF हो जाएगा, जैसा कि यहां पे 90 इज द HCF। ओके, देयरफॉर HCF इज 90। तो रिमेंबर दिस स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप आपको क्या बोला मैं, दोनों में से जो भी आपका स्मॉलर नंबर है उससे आप डिवाइड करना, वो डिवीजर रहेगा, ये आपका डिविडेंड रहेगा। आपको क्या करना है, चेक करना है 270 के टेबल में 900 कितने टाइम्स आ रहा, ठीक है, यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करें, क्लोज वैल्यू अपने को 8 10 लिया, फिर माइनस करें 90 आया, एक पार्ट आपका डिवीजन का कंप्लीट हुआ। आप उसको फॉर्मूले में लिखिए, a इक्वल्स टू bq प्लस r, a इज 900, b इज 270 इनटू 3q10, रिमाइंडर इज 90। नाउ नेक्स्ट फिर डिवीजन कंटिन्यू करिए आप 90 से, डिवीजर डिविडेंड 270 लीजिए, 90 के टेबल में आप मल्टीप्लाई करिए 90 into 3 270 270 माइनस 270 0। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूले में लिखना है a इज इक्वल टू bq प्लस r, a वैल्यू 270, b वैल्यू 90 इनटू 3q10 प्लस रिमाइंडर 0। तो HCF कैसा फाइंड आउट करना है, जो भी आपका 90 आएगा जिससे भी आपको 0 लास्ट में आएगा वो आपका HCF आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड वन, 196 एंड 3820। नाउ सी हियर, आपको यहाँ पे दो डिजिट्स है, अगेन स्मॉलर डिजिट कौन सा है आपका 196, करेक्ट, तो आपको 196 से डिवाइड करना है 38220। ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे आपका 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर है, तो आपको ये छोटी ट्रिक बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर यहाँ 3 डिजिट का नंबर है आपको लाना है 5 डिजिट, तो कम से कम आपको 196 से आप 3 डिजिट मल्टीप्लाई करना तो भी आपको 5 डिजिट का आंसर आएगा। ओके, क्योंकि आपको रूल क्या है, कैसा आप फाइंड आउट करना है डिवीजन में, ये आपको पूरी वैल्यू चेक करना है आपको टेबल में 196 के, सेम नंबर आना है हाथों से कम नंबर, क्योंकि ये डिवीजन आपको डिफरेंट है, दूसरों के डिवीजन के वैसा नहीं है, आपको पूरा नंबर कंप्लीटली देखना है। ओके, या उससे कम नंबर आपको देखना है, तो कैसा करेंगे, ट्रिक क्या है बोला मैं आपको, यहाँ 3 डिजिट है आपको लाना है 5 डिजिट, तो आप कैसा करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट है तो आपको भी 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटलीस्ट, ताकि आपको आंसर 5 डिजिट में आएंगे। विल से कि 191 से गएंगे, 1 6 6 4 9 9 9 6 4 9 9 18 1 8 1 5 86 9 9 17 1 6 6 1 9 9 1 9 6 13 6 12 13 14 7 8 8 plus 9 17 C 5 डिजिट का आंसर आ। Now, और चेक करेंगे क्लोज वैल्यू आ रही क्या, 196 इनटू 195 करेगा, 5 6 आर 13, 5 9 आर 45, 48, 5 1 आर 5, 9, 9 6 आर 54, 9 9 आर 81, 81 प्लस 5, 86, 9 1 आर 9, 17, 1 6 आर 6, 1 9 आर 9, 1 1 आर 0, 12, 10, 10, 17, no, 8, sorry, 2, 2 आ रहा है क्या यहाँ पे,
9, 10, 2, 22, 11, 3, 8, 22, 0. We will get the answer. See here. Now, कितने टाइम्स आ रहा है आपको? 195. 3, 8, 22, 0. ओके, ना इसको किसमें लिखना है अपने को? यूक्लिड्स के फॉर्मूले a इज इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर. तो आपको मैं बता क्या बताया मैं आपको, जो आपका डिविडेंड है. ओके, जैसा कि अपने को मालूम था कि ये पार्ट डिविडेंड है, तो क्या नेम दे दिया उसको? डिविडेंड को यूक्लिड्स ए नाम ने ए दे दिया आपको ने अल्फाबेट. डिविजन को क्या अल्फाबेट दे दिया उन्होंने? बी दे दिया. क्वोटेंट को तो क्यू है, रिमाइंडर को आर है. आपको फॉर्मूले में लिखना है ए की प्लेस पे क्या 3820, बी की प्लेस पे 196, क्यू की प्लेस पे 195, रिमाइंडर की प्लेस पे 0. नाउ जैसा कि आपको मैं बोला, कौन से नंबर से आपको रिमाइंडर 0 आ रहा है? 196 से ही आ रहा है. ठीक है, तो आपका हैसियत क्या होगा? 196 होगा आपका हैसियत. ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो थर्ड 1651 एंड 2032. नाउ स्मॉलर नंबर से आपको डिवाइड करना है. स्मॉलर नंबर ले लिया आप डिविजर में, ये डिविडेंड है आपका. अब 1651 में आपको 2032 चेक करना है. ओके, नाउ 1651 इंटू 2 करेंगे, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 13, 2 1s are 2, 3. तो सी ईयर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, नंबर आपको एक्सीड हो जा रहा, बढ़ जा रहा, तो आप क्या करना, 1 से ही लेना 1651. ओके, नाउ 2 minus 1, 1, कैरी 13 minus 5, 8, 9 minus 6, 3. व्हाट वी आर गेटिंग द आंसर, रिमाइंडर 381. नाउ फॉर्मूले में लिख लीजिए आप a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r. a क्या बताया मैं आपको, दिस इज द a डिविडेंड, दिस इज द डिविजर, दिस इज द क्वोटेंट, दिस इज रिमाइंडर, जो भी आपको फर्स्ट स्टेप में आंसर आया. ओके, a क्या है आपका 2032, b 1651, इनटू q 1, रिमाइंडर इज 381. नो अगेन क्या करना है आपको, डिवीजन फिर कंटिन्यू करना है. ये आपका डिवीजन हो जाएगा, ये आपका डिविडेंड हो जाएगा. नो चेक करना है 381 के टेबल में, 381 इनटू आप क्या कर सकते हैं, कौन सा टेबल लीजिए आप, चेक करिए, 7 लीजिए आप, 7 1 7, 7 8 56, 7 3 21, 21 एक्सीड हो जा रहा आपके नंबर, छोड़ दीजिए. दूसरा लीजिए 4 लीजिए, 4 1 4, 4 8 32, 4 3 12, 12 15 आ रहा. ठीक है, 4 1 4, 4 2 4 1 32, 4 3 12, 15 15 24 आ रहा. 5 से करके देखिए, 5 1 5, 5 8 14, 5 3 15 एक्सीड हो जा रहा, तो 4 से ले लेंगे अपना, 1 5 2 4. माइनस करिए, 11 माइनस 4 कितना होगा आपको, 7 होगा, 4 माइनस 2 2 होगा, 6 माइनस 5 1 होगा, 127 आएगा आपको. ओके, नाउ अगेन आप फॉर्मूले में लिख लीजिए a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r. तो ये आपको क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये b हो जाएगा, आपको ये q और ये r हो जाएगा. ओके, नाउ 1651 b इज 381 इनटू q 4 प्लस रिमाइंडर इज 127. नाउ अगेन आप मल्टीप्लाई करिए 81 381. ओके, नाउ 127 के टेबल में चेक करिए आप, 127 3 से करिए आप, 3 7 21, 3 2 6, 8, 3 1 3. ओके, आपको आंसर आ जा रहा है. तो कब जा रहा है आपको 127 के टेबल में, 3 टाइम्स 381 माइनस 381 क्या आ जाएगा आपको, 0 आ जाएगा. तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r. ये क्या है आपका, a है नेक्स्ट स्टेप में, ये क्या है आपका b है, ये q है, ये r है. ठीक है, नाउ 381 b इज 127,
into Q3 remainder is 0. तो आपका HCF क्या है, किस वजह से आंसर किस वजह से आपको आंसर 0 आ रहा है, कौन से टेबल से आ रहा है, 127 से आ रहा है, तो 127 इज द HCF. ओके, लास्ट में ये नंबर से आपको रिमाइंडर 0 होना, तो ये आपका HCF है. स्टेप्स आप चाहे ध्यान में रखिए, कंफ्यूज मत होइए आप, एक पार्ट आपका कंप्लीट ऐसा करिए आप, ठीक है. फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर आप ये ए, फिर ये बी, ये क्यू, ये फिर आप फिर नेक्स्ट पार्ट में ये ए, ये बी, ये क्यू, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये चीज भी साथ में लिखना. ओके, गॉट इट एवरीवन? इंशाल्लाह वी विल डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन आवर नेक्स्ट.